श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय महाकाल। आज है 16 नवंबर और तिथि गुरुवार। गुरुवार का दिन पड़ रहा है, ऐसे में आज हम जो गुरुवार का उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से धन प्राप्ति होती है, साथ ही कुंडली में मंगल की और बुध की दोनों की स्थिति मजबूत होती है। दर्शकों, ऐसे में इस उपाय को पूज्य गुरुदेव ने स्वयं बताया है और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि किसी भी गुरुवार तिथि को इस उपाय को करने से, पूरे विधिवत तरीके से इस उपाय को करने से मनुष्य को लाभ की प्राप्ति होती है और मनुष्य की कुंडली में मंगल की स्थिति और गुरु और बुध की स्थिति मजबूत हो जाती है। दर्शकों, इसी के साथ ही इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आपके जीवन में अगर आर्थिक समस्या आ रही है या धन को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे में इस उपाय को करने से वह भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ इस उपाय को करने से हमें सद्बुद्धि की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जो गुरुवार का दिन होता है, ये दिन भगवान बृहस्पति यानी कि अर्थात भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में भगवान विष्णु अर्थात बृहस्पति की गुरुवार के दिन पूजा आराधना करने से जातक को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार ही आज हम आप लोगों को जो उपाय बताने जा रहे हैं, ये जो उपाय है ये बड़ा ही कारगरी है। इस उपाय को करने से आप लोगों को 100% लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही दर्शकों, आज जो तिथि है, इस तिथि पर महा नहीं बल्कि दुर्लभ महासंयोग बन रहा है और इस दुर्लभ संयोग पर आप इस उपाय को एक बार जरूर कर देखिएगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो भी जातक इसे पूरे सच्चे मन से और सच्चे दिल से करता है, उसे अच्छा ही लाभ देखने को मिलता है। जैसा वह सोचता है ठीक वैसा ही होने लगता है। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हर बार की तरह चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम अवश्य लिखिएगा, जिससे कि मैं इस चैनल पर जब भी वीडियो लाऊं तो आपकी राशि के अनुसार ही वीडियो लाता रहूं, जिससे कि आपको तुरंत लाभ मिल सके। अब दोस्तों, अगर जीवन में व्यापार से लेकर कोई समस्या आ रही है या फिर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आपको नौकरी में परेशानी आ रही है या फिर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर आपको और कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या फिर आप किसी भी काम को करने जाते हैं और वो काम होता होता होने से पहले ही रह जाता है, ऐसे में अगर घर में धन नहीं आ रहा है, धन की बहुत कमी आ रही है, अनावश्यक धन खर्च भी हो रहा है और घर में एक रुपया आ भी नहीं रहा, तो ऐसे में आप इस उपाय को एक बार कर देखिएगा, आपको तुरंत लाभ की प्राप्ति होगी। किस प्रकार से, किस तरह से उपाय को करना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज है 16 नवंबर और गुरुवार का दिन, ऐसे में आज के दिन आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप इस उपाय को पूरे मन से करें। आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो एक थाली में पीला चंदन लेना है, यानी कि पीली हल्दी भी ले सकते हैं हम, और पीली हल्दी का आप लोगों को माथे पर तिलक लगाना है। माथे पर तिलक लगाने के बाद में आपको अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ जाना है और पूजा स्थल पर बैठ कर आप लोगों को अपने दोनों हाथों को जोड़कर और भगवान विष्णु अर्थात माता लक्ष्मी इन सब की तस्वीरों के सामने आपको केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करना है। उसके बाद में आप लोगों को एक तुलसी की माला बनानी है और तुलसी की माला आपको दिन में ही बना लेनी है और उस माला को आप अपने घर के पूजा स्थल पर अर्थात जहाँ पर भगवान विष्णु की फोटो है, तस्वीर है, वहाँ पर आप उसे चढ़ा दें। उसके बाद में दूसरा उपाय है कि आप थोड़ी सी हरी मूंग की दाल ले लें और थोड़ी सी आप पीली दाल ले लें, इन दोनों को लेकर आप किसी गाय को खिला दें। कहते हैं कि ऐसा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है और जातक को सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो भी जातक की मनोकामना होती है वे सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दर्शकों, ऐसे में पूज्य गुरुदेव ने स्वयं बताया कि इस उपाय को करने से 100% लाभ की प्राप्ति होती है और जिन लोगों ने भी इस उपाय को किया है सभी को लाभ मिला है। एक बार आप भी इस उपाय को जरूर कर देखिएगा, आपको भी लाभ मिलेगा और फिर इस उपाय को आप पूरे श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ करें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके हर दिन और हर दिन शुभ मंगल हो, इसकी कामना करते हैं और पुनः मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।